नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम मुंगाली। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही दोनों पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में या तो सभा कर रहे हैं या फिर बूथ स्तर के कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। ऐसे ही सोमवार को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बहादुरपुर पहुंचे, जहां बूथ प्रभारियों की बैठक ली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद द्वारा कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हमें बचपन में एक बात सिखाई जाती थी जिसमें बोला जाता था कि झूठ बोले कौआ काटे, तो कमलनाथ ने जो झूठ बोला है और मैं वो कौआ हूँ जो इतिहास में जाते हुए कहा। 1967 में मेरी आजी अम्मा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को स्थापित किया था। बीपी मिश्रा मुख्यमंत्री थे। जब बीपी मिश्रा ने जन विरोधी नीति अपनाई, तब राजमाता साहब ने बीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाकर जमीन पर ले आई और आज कांग्रेस भूल गई। जब किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, कन्याओं को कन्यादान का लाभ नहीं, और कांग्रेस ये भूल गई कि उन्हीं का खून मुझ में है और इस सरकार को वादा खिलाफी के लिए इस सरकार को धूल चटाकर मैंने छोड़ दिया। वहीं शिवराज नंगे भूखे वाली बात पर कहा कि हाँ, हमारा मुख्यमंत्री नंगा और भूखा है क्योंकि कन्याओं को कन्यादान योजना का लाभ दिलवाता है, किसान सम्मान निधि के तहत 4,000 रुपये देता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर प्रवेश करवाता है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को लोगों तक ये खबर भेजना है कि यह चुनाव प्रत्याशी का प्रत्याशी से नहीं, भाजपा और कांग्रेस का नहीं, बल्कि एक जोड़ी है, छोटे और बड़े भाई, जो भ्रष्टाचार की ओर, दूसरी जोड़ी सिंधिया शिवराज की ओर। यह चुनाव सिंधिया और शिवराज लड़ रहे हैं। वहीं कार्यक्रम खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान सिंधिया कार्यकर्ताओं की नाराजगी को गले लगाकर दूर करते नजर आए। हम सच्चाई से काम करते हैं, हम दिल से काम करते हैं, हम छल कपट नहीं जानते। भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का हमारा संकल्प है मेरे भाई और बहनों। न्याय का वातावरण, और कल कमलनाथ जी आए थे अशोकनगर और कहा उन्होंने कि शिवराज सिंह जी नंगे भूखे मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है और इसलिए मेरी महिलाओं को कन्यादान योजना दिलवाता है। हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 के साथ किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 4,000 रुपए का दिलवाता है। हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है और इसलिए मध्य प्रदेश में 1.5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश करवाता है। हाँ, मेरा मुख्यमंत्री नंगा भूखा है और इसलिए 37 लाख गरीबों को 1 रुपया पर 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल का राशन दिलवाता है। भेज देना कि 3 तारीख को जब मतदान केंद्र में जाएंगे, हर मतदाता को मेरे तरफ से कह देना, निर्णय लेना है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं, निर्णय लेना है प्रत्याशी और प्रत्याशी के बीच में नहीं। उस तरफ एक जोड़ी है, छोटे भाई। अरे बोलो, भ्रष्टाचार की जोड़ी, बिजली कटौती की जोड़ी, सड़क नहीं गड्ढों की जोड़ी, तिजोरी भरने वालों की जोड़ी, उद्योगपति की जोड़ी, और इस तरफ शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी। मोदी जी को जिन्होंने 100 रुपए का सिक्का स्मारक के रूप में उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने लोकार्पण किया। मेरी आजी अम्मा ने अपनी पूरी जीवन प्रदेश और देश के विकास और जनसेवा में दिया था।
और आज मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, एक प्रण और संकल्प लेना होगा, एक प्रण और संकल्प लेना होगा, क्योंकि ये चुनाव, ये ब्रजेंद्र यादव का चुनाव नहीं है, आप लोग समझ लेना। और मेरा संदेश केवल भागलपुर मंडल के लोगों को नहीं, समूचे मुंगावली के क्षेत्र की जनता को देना, ये चुनाव ब्रजेंद्र यादव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहा है। जानते हो मैंने बनवाई, चाहे बंगला चौराहे से पिछोर की सड़क हो, चाहे पिपरई की सड़क हो, चाहे पिपरई से चाड़ोरा की सड़क हो, एक एक सड़क मैंने बनवाई। और इस चुनाव संपन्न होने के बाद हर संभव प्रयास विकास की प्रगति की होगी। और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे 20 साल में आप लोगों ने सदैव सकारात्मक सुझाव मेरे सामने रखे हैं और उन सुझावों पर सब पर मैंने कार्य किया है जो संभव है। यही रिश्ता मैं आज भी चाहता हूं। इस चुनाव के बाद आप और हम मिलेंगे, जो भी आपके सुझाव हैं उन सब पर हम लोग पूरी तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, उस चौथे स्तंभ की सेवा करना भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का फर्ज। चुनाव देखिए, चुनाव चुनाव होता है, पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और हमें पूरी आशा है कि एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैं ज्योतिष नहीं हूं जो कह सकता हूं कितने सीट आएंगी, ये कांग्रेस की खूबियत है। मुझे विश्वास है कि हर सीट पर समर्थन मिलेगा, जोड़ना चाहते हैं। और दूसरा, जो वैमनस्य और एक तरीके से दुश्मनी लोगों के बीच में फैलाना चाहते हैं, सुभाष यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं। मुझे खेद है कि उनके पुत्र में इस महान व्यक्तित्व के कुछ भी लक्षण मुझे देखने को नहीं, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र हैं, प्रजातंत्र है, जो कहना चाहे कहें, मेरी जनता जानती है, मेरी क्षेत्र जानती है और मेरा प्रदेश और मेरा देश ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानता है। महाराज, आज बड़े महाराज भी भाजपा के रंग में रंगे आ रहे हैं, बड़े बड़े फोटो लगे हैं उनके भाजपा के पैनलों में। मेरे पूज्य पिताजी की जनसेवा का इतिहास भी जनसंघ से शुरू हुआ था और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे रहा है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदय से जिंदगी भर ऋणी हूँ। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में, एक के पास एक संकीर्ण विचारधारा है जो किसी विशेष के अलावा, उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है कांग्रेस में अभी कमलनाथ जी का, लेकिन भाजपा का 1,00,000 लोगों का शो चल रहा है, सामान्य कार्यकर्ता का शो चल रहा है और लोकतंत्र इसी से मजबूत होते हैं। आप जिस सड़क से आए हैं, 6 करोड़ की अभी 15 दिन पहले बनी है, वो 15 दिन में ही टूट गई, ऐसे भ्रष्टाचार। हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, एक सच्चे जनसेवक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित किया, मेरी आजी अम्मा, उनके स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए एक स्मारक सिक्का उन्होंने आज लोकार्पण किया है। मैं नमन करता हूं उनको और ये प्रेरणा देगा हजारों लाखों जनसेवकों को कि किस तरीके से राष्ट्रभक्ति के आधार पर अपने जीवन को समर्पित करने से। मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी, दोनों ने अपना जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किया, जनता के लिए समर्पित किया। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जितना भी मेरा जीवन बाकी हो, मैं भी अपना पूरा जीवन, जैसे पिछले 20 साल मैंने समर्पित किए हैं, जीवन के अंत तक अपनी जनता की सेवा के लिए समर्पित करूं। अन्याय के विरुद्ध लड़ूं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ूं, विकास के लिए लड़ूं, प्रगति के लिए लड़ूं, गरीबों के उत्थान के लिए लड़ूं, हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लिए लड़कर उनके उत्थान के लिए मैं लड़ूं।
महाराज का लरण यादव के काफी तीखे हमले आए हैं अपने। देखिए जिस व्यक्ति का की सोच ही ऐसी हो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो दुनिया बनाना चाहते हैं और एक वो होते हैं जो दुनिया को तोड़ना चाहते हैं। दो खबर समय जगत के लिए मुंगावली से मनीष राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।